मरेगी मेरे को भी मर भाई मालिक मालिक खड़ी हो खड़ी हो मालिक क्या है क्या बात है मालिक मेरी बिटिया ना मौत और जिंदगी के जूझ रही है पैसे अब तक नहीं पहुंचे वहां से ना रोज फोन आते हैं तो इसका मतलब अब तू मेरी बाइक के पीछे लग जाएगी क्या तो कुछ हो जाता तो चोट लग जाती तो बैंक वाले भी बोलते हैं कि पैसे नहीं आए यहाँ पे बात सुन ले मेरे पीछे बार बार मत आया कर मैंने तेरे को बोल दिया ना मैंने तेरे पैसे उसी दिन भेज दिए थे जाके बैंक में ट्राई कर बैंक में जाके पूछ वहां जाके टक्कर मार मेरे से बार बार में मत पूछा कर साहब हम तो अनपढ़ हैं हमें तो कुछ भी नहीं पता कि पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं मुझे तो इतना पता है अगर पैसा मेरे बच्चे के पास नहीं पहुंचा तो बगैर इलाज के मर जाएगी साहब कुछ कीजिए ना साहब कुछ कीजिए ना तुम्हारे जैसे लोग धरती पर बोझ होते हैं अगर तुम्हारे जीने से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हारे मरने से क्या फर्क पड़ेगा और तुम्हारी बेटी अगर मर भी गई तो क्या आसमान टूट पड़ेगा साहब बच्चे तो आपके भी होंगे आप भी तो उनसे प्यार करते होंगे और मेरे पास तो मेरी इकलौती बच्ची है अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी साहब अब मेरे बच्चे की जिंदगी आपके हाथ में उसे बचा लीजिए साहब उसे बचा लीजिए मेरी बच्ची को बचा लीजिए साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए खड़े हो साहब साहब मैं तेरे को कह रहा हूँ ना मेरा ड्यूटी का टाइम हो चला है मेरे को जाने दे परेशान मत कर मुझे वरना पुलिस के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में तुझे हमेशा के लिए जेल में डाल दूंगा साहब साहब मेरी बच्ची का सवाल है साहब साहब उसकी जिंदगी का सवाल है साहब साहब उसे बचा लीजिए साहब 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 उसे बचा लीजिए साहब 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 उसे बचा लीजिए साहब साहब मैं आपको नहीं जाने दूंगी साहब 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 मुझे बचा लीजिए साहब साहब अरे बहन जी क्या हुआ ये पुलिस वाले के साथ क्या झगड़ा था आपका भाई साहब मैं क्या बताऊं आपको मैंने उस पुलिस वाले साहब को पैसे दिए थे 5,000 रुपए कि बैंक में जमा करा देना अब हम ठहरे गरीब लोग हमें तो कुछ पता ही नहीं बैंक के बारे में मैंने साहब को पैसे दिए थे अब मेरे घर से फोन आ रहे कि पैसे नहीं पहुंचे अब पता नहीं भगवान जाने वो पैसे कहाँ गए बहन जी इस कलयुग में इंसानियत मर चुकी है और जो जितना पैसे वाला होता है ना उतना ही बेईमान होता है बस हम गरीबों को तरक वाला सिर्फ ये ऊपर वाला है पता नहीं कभी हम पर दया दृष्टि रखेगा बाकी सब कुछ ठीक होगा बहन जी चिंता मत करो अरे भाई साहब क्या ठीक होगा अगर पैसे नहीं पहुंचे तो मेरी बच्ची मर जाएगी मेरी बच्ची मर जाएगी कोई नहीं मेरी बच्ची मर जाएगी कोई नहीं सब ठीक होगा क्यों लेता है इन गरीबों की इतनी परीक्षाएं क्यों लेता है इसका कागज है ये तो कोई पुलिस का कागज है खाली किसका है सॉरी सर मैं 10 मिनट लेट हो गया तेरी आदत सुधरनी चाहिए सॉरी सर सॉरी हर वक्त लेट 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 चल छोड़ इस बात को वो मेरे डॉक्यूमेंट दे हाँ बिल्कुल वही तो लेने के लिए गया था सर ये लीजिए अरे कहाँ गया क्या हुआ अरे सर मैंने इसी जेब में रखा था तेरा दिमाग खराब है क्या तुझे पता है वो कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे मेरे वो अरे सर मैंने कसम से सर मैंने इसी जेब में रखा था सर हाँ रास्ते में ना एक पागल औरत मिल गई थी और वहाँ मेरी बाइक भी गिर गई थी शायद वहीं पर वो डॉक्यूमेंट गिर गया होगा सर कसम से मेरी इसी जेब में था आई स्वेयर टू गॉड सर मुझे नहीं पता मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए किसी भी हालत में चाहिए नहीं तो ना मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी पर मेरी नौकरी को आचागी तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा सर फिर काम करते हैं जल्दी चलिए सर जल्दी चलिए वरना वहां से वो कहीं गुम ना हो जाए सर दोनों चलते हैं और चलिए वो डॉक्यूमेंट वहीं से ढूंढ के लेके आते हैं चलिए यहीं पे था देख अच्छी तरह कहां सर मुझे याद है यहीं पे मेरी बाइक गिरी थी और यहां से जब मैंने उठाई थी ना तो उसी टाइम पे यहीं पे कहीं पे गिरा होगा वो कागज शायद अच्छा
चित्रा ढूंढ। अरे देख तो रहा हूँ सर, और कहाँ जाएगा, यहाँ के अलावा कहाँ जाएगा। ये रही सर, ये रही। खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। एक बात बता, कहाँ है वो कागज? मेरी जेब में कागज था जब बाइक गिरी थी, तूने निकाला वो कागज? नहीं नहीं साहब, मैं सच बता दे। साहब मुझे तो कुछ भी नहीं। सच बता, वो कागज कहाँ है? तेरे को पता था ना मेरे लिए वो बहुत काम की चीज है, मेरी जेब में था, तेरे को पता था काम की चीज है, इसीलिए तुमने निकाला ना। कहाँ है वो कागज? साहब मुझे तो पता ही नहीं साहब, कहाँ, कौन सा कागज? झूठ मत बोल, कागज की बात करो साहब। मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मेरी नौकरी का सवाल है, अगर मेरी नौकरी के ऊपर कोई भी बात आई ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कागज बता दे, कहाँ है जल्दी। बता रही हूँ साहब, मुझे तो पता ही नहीं साहब। बता कागज का, किस कागज की बात करो साहब? मैं तो अपने सामान चुगने आ गई थी साहब। मुझे पता है तू मेरे से किस बात का बदला ले रही है, चुपचाप वो कागज मेरे हवाले कर दे, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हमारी क्या औकात है कि हम आपसे बदला लें? बदला? किस बात का बदला? अरे नहीं नहीं साहब, कोई बदला बदला नहीं, ये ऐसे ही कह रही है। ये कहाँ है वो कागज, निकाल। साहब मैं बताता हूँ किस बात का बदला। तो ये आपके साहब है ना साहब, इस बहन जी के पैसे घर भेजने थे इन्होंने, इनकी बिटिया बीमार थी और इन्होंने 10 से 15 दिन हो गए आज तक पैसे नहीं भेजे हैं। डॉक्टर के बार बार फोन आ रहे हैं कि तुम्हारी बेटी का अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो बिटिया मर जाएगी, और ये साहब इतनी जलालत कर रहे हैं बहन जी के ऊपर कि इनको पैसे भी नहीं दे रहे और ऊपर से मार भी रहे थे। आज सुबह सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा इनको। नहीं 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 सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये इन दोनों की मिली भगत है, और आप तो जानते हैं ना इन छोटे लोगों को कैसे होते हैं, ये दूसरे की जेब से पैसा हटने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बात बताओ, मैं तुम दोनों की बातों पर भरोसा कैसे करूं? साहब हम गरीब लोग हैं, हम भला आपको क्या सबूत दे सकते हैं? हमारे पास तो हमारे आंसू ही हमारे सबूत हैं। साहब मैंने इन साहब को 5,000 रुपये दिए थे, पर मेरी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, लेकिन साहब पैसे आगे नहीं पहुँचे, वहाँ से बार बार फोन आ रहे। अगर मेरी बेटी मर गई तो मैं कहाँ जाऊँगी साहब, कहाँ जाऊँगी? सर ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। चुप! अगर आज तेरे जिस्म पर ये वर्दी नहीं होती ना तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ देता। अरे कुछ तो शर्म कर, अमीरे को तो तूने पक्षा नहीं, अरे कम से कम इन गरीबों पर तो रहम करता। ध्यान रखना, उस कागज की वजह से अगर मेरी नौकरी गई ना तो तेरे जिस्म पर भी ये वर्दी नहीं रहने दूंगा, समझ गया? साहब कागज ये है मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, और उस दिन ये सुबह की बात है कि बहन जी के साथ हाथापाई कर रहे थे तब ये कागज यही रोड पे मिला था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं साहब ये तो हमारा फर्ज है। यही कागज है, ये क्या है? तेरी लापरवाही ना, एक काम कर, यू आर सस्पेंडेड नाउ। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज। बहन जी निकल यहां से, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई साहब। सर निकल यहां से। और सुन, इन बहन जी के जितने पैसे थे अभी के अभी ट्रांसफर कर। ठीक है सर। ये लीजिए सर 5,000 रुपये। और कसम खा कि जिंदगी में आज के बाद ये गलत काम नहीं करेगा। सर मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, किसी गरीब की आत्मा नहीं दुखाऊंगा, लेकिन सर मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे माफ कर दीजिए। इंसान माफी मांग मुझसे नहीं। बहन जी मैं हाथ जोड़ के भाई साहब आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे बख्श दीजिए, मेरे बच्चों पर रहम कीजिए सर, मुझे नौकरी से मत निकालो। साहब आप जैसे ईमानदार लोग इस समाज में हो तो हम जैसे गरीब परिवारों का भी गुजारा हो जाएगा, वरना ये दुनिया और ये समाज हमें नहीं जीने देगी। साहब आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी साहब। नहीं चाचा, आप जैसे ईमानदार इंसान है ना, गरीब भले ही हो लेकिन आपका जमीर जिंदा है साहब। आपकी वजह से मेरी बच्ची
वो बच जाएगी साहब, बच जाएगी। और साहब धन्यवाद साहब, खाचू की प्रार्थना है साहब, जो भी था जैसे भी इनकी सोच थी, इनको नौकरी से बेघर मत कीजिएगा साहब, क्योंकि गरीबी के बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि गरीबी इंसान को किस कदर तोड़ देती है, उसके बच्चे और उसका परिवार बेघर हो जाएगा, उसको नौकरी से मत निकालिए साहब। मैं समझता हूँ जी आपकी सारी बातें, और बहन उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं नहीं, और सुनो, आपकी बेटी के इलाज में जो भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, धन्यवाद साहब। पुष्पा मैंने कही थी ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। हरे कृष्ण।